स्क्रीन पर हमारे सामने इस वक्त है क्लास 11th की रिजल्ट वर्कबुक। इसमें 10 शीट्स हैं, 10 पेजेस हैं। डेवलपर्स डेस्क, क्लास रजिस्टर, डिटेल्स, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, इंटरम रिपोर्ट्स, फाइनल रिपोर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट्स, रिजल्ट एग्रीगेट, री एग्जाम, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स फुल स्क्रीन। रिपोर्ट फुल स्क्रीन का पेज अभी ऐड करना बाकी है, ये एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं डेवलपर्स डेस्क। यहाँ पर पासवर्ड्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक हाइपरलिंक है, इसको क्लिक करने पर हम उस लिस्ट पर पहुंचते हैं जहाँ पर हमें इस वर्कबुक को हैंडल करने में जो भी हेल्प चाहिए उसको हेल्प करने वाले टीम के मेंबर्स के मोबाइल नंबर्स और नेम्स दिए गए हैं। ये स्टेट टीम है, इसको डिवीजन वाइज बांटा गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट टीम्स भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में 3 व्यक्ति इस संबंध में हेल्प कर सकते हैं, एग्जाम इंचार्ज और दोनों ICT एक्सपर्ट। आप अपने लेवल पर पहले इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लें और उसके बाद कोई डाउट्स हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हैं क्लास रजिस्टर, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्कॉलर रजिस्टर के क्लास रजिस्टर नाम का जो पेज है वहाँ से एंट्रीज लाकर यहाँ हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पेस्ट करने के लिए B7 यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ से एड्रेस देख सकते हैं आप, ये B7 पर हैं, जैसे अब B95 पर हैं और ये B7, ये B8 और ये C7, इस तरह से B7 पर हम क्लिक कर और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन से वहाँ से ला करके एंट्रीज यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हैं डिटेल्स। इस डिटेल्स रजिस्टर में हमें अपने इस वर्ष की एंट्रीज भरनी है, उसके लिए हमें पहले पुरानी एंट्रीज सारी डिलीट करनी पड़ेगी और पुरानी एंट्रीज यहाँ से B7 से लेकर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ नीचे तक और उसी तरह से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ राइट बटन तक, और ये अभी पूरा सेलेक्ट हुआ नहीं है, और भी हैं और यहाँ तक B7 से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड राइट, और यहाँ तक हम जीवन कौशल के मार्क्स तक।